फतेहपुर जनपद के विकासखंड मलवा ब्लॉक के आशापुर अभयपुर ग्राम सभा के मजरे बिंदगी फार्म बेनीखेड़ा गांव का है। आपको बताते चलें कि बिंदगी फार्म बेनीखेड़ा आवागमन का संपर्क मार्ग पांडव नदी के कटान से पूरी तरह टूट चुका है। वहीं कई गांव अपने फतेहपुर जिले के संपर्क मार्ग से टूटे हैं, जैसे बेनीखेड़ा, जाडेकपुरवा, अवसरीखेड़ा गांव का संपर्क मार्ग नदी के कटान की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नदी के कटान से हजारों बीघे खेती नष्ट हो चुकी है। नदी के संपर्क टूटने से अन्य जिले से होकर अपने जिले में प्रवेश करना पड़ता है, तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कोई सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। खेतों में डालने के लिए कीटनाशक दवा की खाद एवं अन्य उपयोगी सामान को लाने में खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आला अधिकारियों से, प्रधान से इसकी शिकायत की गई, परंतु किसी के कानों में जूं तक नहीं गूंजी। किसानों का कहना है कि अगर संपर्क मार्ग फिर से बनता है तब आवागमन में परेशानी कोई नहीं होगी। नदी के कटान से संपर्क मार्ग टूट जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पांडे है और मैं अभयपुर ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूँ। मामला क्या है पूरा? मामला यहाँ का ये है कि यहाँ बेनीखेड़ा और बिंदकी फार्म का और ग्राम सभा का कोई संपर्क मार्ग नहीं, छत बिछत है। एक तो पांडव नदी का बीच पड़ रहा है जिसमें पुल की सुविधा नहीं है। ये लोग अपने जिले से दूसरे जिले को होके, यानी कानपुर जिले से होके अपनी ग्राम पंचायत में पहुँचते हैं। इसकी जानकारी कई बार शासन प्रशासन को, प्रधानों द्वारा या हमारे ग्रामीणों द्वारा दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों की फसलें लगभग हजार बीघे का यहाँ पे टारगेट है, जो कि नदी की कटान से फसलें बर्बाद हुई हैं और खेती कटी है। इनका संपर्क मार्ग टूटा है। अगर कोई महिला रात को प्रसव के लिए तैयार हो जाए तो वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। इनके पास ट्रैक्टर की व्यवस्था है, इनके पास अब बोट से तो किसी जिले बाय जिले जाएंगे नहीं, अब ये फतेहपुर जिला लगता है और इनको घूम के आना पड़ता है अपनी ग्राम पंचायत में कानपुर से। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 12-13 किलोमीटर का सफर तय करके इन लोगों को अपनी ग्राम पंचायत में पहुंचना पड़ता है, सबसे मेन बात। और दूसरी बात यह है कि संपर्क मार्ग जो आशा अभयपुर का है, आपको बताते चलें कि जो बेनीखेड़ा है वो आशापुर ग्राम पंचायत में आता है और जो बिंदकी फार्म है वो अभयपुर ग्राम पंचायत में आता है। दोनों ही पहले तो एक ही ग्राम सभा थी, अब ग्राम सभा का बंटवारा हो गया। जरूरत दोनों ग्राम सभाओं को और दोनों मजरों को बराबर है, क्योंकि ये संपर्क मार्ग अगर इनका बन जा रहा है तो इससे फायदा बेनीखेड़ा को भी मिलेगा और इससे फायदा बिंदकी फार्म को भी मिलेगा। यहाँ हमारे कई सारे किसान साथी खड़े हैं, हमारे मित्र हैं, यहाँ हमारा आना जाना होता है। तो यही चीज आप प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूँ कि इन फरियादियों की फरियाद सुनी जाए, इस पे प्रशासन को सख्त से सख्त और अच्छे से अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन किसानों का भला होता रहे और ये किसान फलते फूलते रहे। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या मामला है भैया? हमारा संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, यहाँ से हम लोग 10-12 किलोमीटर घूम के अपने मौजे में आते हैं, कोई सुविधा नहीं हम लोगों को, ना रास्ता है ना पैदल जा सकते हैं, जैसा रास्ता कटा हुआ है बिल्कुल समस्या है, समस्या है भैया, यहाँ से कैसे जाएं हम लोग। हमारा यही कहना है कि ये रास्ता बनवा दें, सरकार से कहना यही है